क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि अगर आपके पास कोई फील्ड दिया हुआ है, जैसे कि ये फील्ड दिया है, इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है 100 और 60, तो लेंथ और ब्रेथ 100, लेंथ आपको 100 दी हुई है और ये 60 दी हुई है ब्रेथ, चाहे मीटर हो या सेंटीमीटर हो, उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं। देखो करना क्या है, अगर हमें ये कहे कि इसके अंदर आपने एक फील्ड बनाया है, इसके अंदर एक आपने इसके चारों ओर एक बाउंड्री बनाई है इस तरीके से कि अंदर जो है ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी 5, यहाँ से भी, मतलब आपने ये जो हमारे पास एक पाथ था ABCD, इसके अंदर आपने एक पाथ बनाया है जिसकी लेंथ 5 है, बस इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है। और आपको बोलेगा फाइंड एरिया ऑफ पाथ, तो आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप इसके नेमिंग कर दिया करो ABCD, ऐसे ही अंदर का नाम दे दो PQRS। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ABCD जो है ये एक बड़ा रेक्टेंगल है और PQRS एक छोटा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया आप लोगों को पता ही है, रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि अंदर की लेंथ नहीं दी हुई उसने और अंदर की ब्रेथ नहीं दी हुई, तो जो अंदर की लेंथ है वो कितनी होगी, 100 में से जो बच्चा गलती करता है वो 5 को सब्ट्रैक्ट करता है खाली, हालांकि 5 इधर भी कम हुआ है, 5 इधर भी कम हुआ है, तो अंदर की लेंथ जो है वो टोटल आई 90 और जो ब्रेथ है वो अंदर की कितनी आई 65, ऊपर 5 ऊपर भी कम हुआ है, 5 नीचे भी, तो टोटल 10 कम हुआ है, तो अंदर की ब्रेथ आई 50। तो अब इसमें क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचा, नहीं तुम्हें समझ में आ गया होगा, तुम्हें करना क्या है, बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उससे आपके पास ये पाथ का एरिया आ जाएगा। तो मैं फटाफट फास्ट करके दिखाता हूँ तुम्हें इसको ऐसे करेंगे एग्जाम में, अगर पेपर में आता है तो इसको ऐसे करेंगे, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 100 × 60, बिकॉज 100 ये बाहर की लेंथ है और ये ब्रेथ दी हुई है, तो ये टोटल आ गया 6000 यूनिट स्क्वेयर, यानी कि अगर चलो सेंटीमीटर मान लेते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वेयर। ऐसे ही एरिया PQRS ये हमारे पास आ गया 90 × 50 4500 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो एरिया ऑफ पाथ कितना आया, एरिया ऑफ पाथ ये हमारा आया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको ऐसे शॉर्ट में ले सकते हैं, ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, तो ये आ गया हमारे पास 6000 − 4500, कितना होता है 1500, राइट। तो ये हमारे पास आ गया जी 1500, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया 1500 सेंटीमीटर स्क्वेयर, लगाना मत भूलना, इस यूनिट को नहीं लगाओगे तो भाई साहब हाफ मार्क्स बढ़ जाएगा आप लोगों का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो तुम्हें समझ में आ गया, अब एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये देखो, थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे उसमें, रेक्टेंगल हमारे पास सेम है, इस बार फिर वही पार्क है और पार्क की लेंथ 100 और ब्रेथ 60 है। अब उसको कहा गया है कि तेरे को इसके चारों ओर एक बाउंड्री बनानी है, आपकी बार बाहर की तरफ बाउंड्री बनानी है, ये क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है कि अंदर की तरफ बाउंड्री बनानी है कि बाहर की तरफ, इस क्वेश्चन में बाहर की तरफ बनानी है और लेंथ हुई है 5 उसकी ब्रेथ है जो आपको बनानी है। तो अब इस बाउंड्री का एरिया कैसे निकालेंगे, अब हमें ये पाथ का एरिया निकालना है, तो सिमिलरली वैसे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ABCD हमें अंदर का जो दिया हुआ रेक्टेंगल ये तो था 100 और 60, तो बाहर वाला रेक्टेंगल जो होगा वो हो जाएगा 105 इधर ऐड किए 5 इधर ऐड किए, तो बाहर वाला रेक्टेंगल की लेंथ आपकी बार कितनी हो जाएगी 105 नहीं होगी 110, बिकॉज 5 यहाँ पे भी जुड़ा है 5 यहाँ पे भी जुड़ा है, यही बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसी तरीके से इसकी ब्रेथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी 65 नहीं होगी, वो भी 65, 5 इधर ऐड होगा 5 इधर ऐड होगा, तो ये होगी 70। तो इसको अगर मैं नाम दे दूँ, इसका नाम PQRS जैसे मैंने पहले किया है, एक बात और याद रखना, इसके जब नेमिंग करो तो एक साइकिल में करना, चाहे आप ऐसे क्लॉकवाइज करना चाहे एंटी क्लॉकवाइज करना, बट ऐसे मत करना PQRS, ऐसे मत लिखना। तो चलिए अब इसके आगे करते हैं, इसको क्या करना है आपको, एरिया ऑफ वैसे ही आप पहले बड़े वाले का निकाल लो PQRS, उसको इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को ना इंग्लिश लिखना नहीं सिखा रहा, इंग्लिश मुझे पता है आप लोग लिख लेंगे, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना,
तो पी क्यू आर एस आपको कैसे निकालना है, 110 × 70। देखो 110 × 70 कितना होगा, ये होगा जी 7700 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अंदर वाले का एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना होगा जी, ए बी सी डी होगा जी 60 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ पाथ ऑफ क्यूआर कितना आएगा, एरिया ऑफ पाथ कह दे, पार्क कह दे, जो भी कह दे उसको तो लगाना मत, ये आएगा 7700 − 6000 जो कि कितना आया, जो कि आया 1700। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 1700 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो आप लोग कहोगे कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक और ट्विस्ट करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और एक सबसे टिपिकल जो इसका भाई है उसको करवाते हैं। देखिए जी, इसमें आपने क्या करना है, आपकी बार आपके पास वैसा ही क्वेश्चन है दोबारा, ये एक और पार्क है आपके पास ए बी सी डी, और क्वेश्चन की डायमेंशन मैं वैसे ही ले रहा हूँ, क्वेश्चन की डायमेंशन मैं वैसे ही ले रहा हूँ 100 × 60। आपको करना क्या भाई साहब, आपकी बार क्वेश्चन ये है कि आपने यहाँ पे एक क्रॉस रोड बना दी बीच में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपने बीच में क्रॉस रोड बना दी पार्क के अंदर, जैसे पार्क के अंदर होती है, और बस इसकी लेंथ आपको दे दी गई उसने 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आपको दे दी उसने। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको एरिया ऑफ पाथ पूछा है, एरिया ऑफ क्रॉस रोड पूछा है, मतलब इसको क्रॉस रोड कहते हैं, तो क्रॉस रोड का एरिया कितना है ये आपसे पूछा है। देखिए इसके लिए क्या करना है, वही टेक्निक, आप पहले छोटे इन रेक्टेंगल का नाम लिख दो पी क्यू आर एस, और इसका नाम तुम लिख दो यू वी डब्ल्यू एक्स, और इसके बीच वाले का नाम भी कुछ दे दो, इसको दे दो ई एफ जी एच। देखो अब करना क्या है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आप पहले क्या करो, आपको ये पी के ओ आर एस की का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ पी के ओ आर एस के लिए, देखो पी के ओ आर एस के लिए लेंथ और पी के ओ आर एस के लिए लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी, लेंथ तो होगी पी के ओ आर एस के लिए 100, क्योंकि यही 100 लेंथ ये है, और ब्रेथ होगी केवल 5, क्योंकि जो रोड है वो 5 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो इसका लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल है, तो ये आएगा जी 100 × 5, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ऐसे ही बच्चों को ये भी समझ में आ जाता है कि एरिया ऑफ यू वी डब्ल्यू एक्स, ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, इसके लिए जो लेंथ होगी, इसके लिए जो लेंथ होगी वो होगी 60 और ब्रेथ होगी 5, क्योंकि ये भी 5 है, तो अब की बार आपको 60 × 5 करना है सर, वो कितना आया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अब इस क्वेश्चन का क्लाइमेक्स है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेक्स ये है कि इसमें जब तुमने ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकाल लिया, तो इसमें ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, जो ये एरिया है जिसको मैं ब्लैक कलर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये दो बार आ गया, क्योंकि ये इसमें भी काउंट हो गया और ये इसमें भी काउंट हो गया। तो आपको करना क्या है, आपको इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच जो कि एक स्क्वायर है वो होगा साइड स्क्वायर, यानी कि 5 × 5, 25। तो आपको बस इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। देखो अब जो नेट एरिया ऑफ क्रॉस रोड आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस रोड जो आएगा वो आएगा 500 + 300 − 25, यानी कि 800 − 25, जिसे कि 775 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये 25 जो है ये बच्चा सब्ट्रैक्ट करना भूल जाता है, और ये सब यही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा सुपर टिप भी है कि अगर तुम लोग ये भूल गए कि इसमें से ये इसको घटाना है आपने, अगर आप ये भूल गए कि आपने इसमें से इस स्क्वायर को घटाना है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया दो बार काउंट हुआ है, इसको बड़े केयरफुली आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। देखो एक इस तरीके का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, एक क्वेश्चन और एक नए टाइप का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखो अब जो एक नई किस्म का क्वेश्चन है, मैं आपको दो तीन क्वेश्चन और समझा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये अब आपके पास रेक्टेंगल की जगह ये स्क्वायर दिया हुआ है, खाली क्वेश्चन का थीम समझा रहा हूँ आपको करना क्या है, ये आपको स्क्वायर दे दिया रेक्टेंगल की जगह, टीचर्स ऐसे करेंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी लेंथ जो है वो 100 ही है, आपके पास स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर 100 हो गई, ये मेंशन नहीं करेंगे वो। अब आपको क्या करना है, वैसे ही पाथ अंदर की तरफ बनाना है, और पाथ जो है अंदर का वो आपको 10 दे दिया कि 10
10 आपको अंदर बनाना है, 10 सेंटीमीटर अंदर बनाना है। तो अब आप इसको ई एफ जी एच, आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, अंदर की जो लेंथ आएगी वो आपकी बार 100 में से 10 यहाँ कटेगा, 10 यहाँ, तो वो भी 90 आएगी और ये भी 90 आएगी। तो आपको बड़ा इजीली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है बस यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर लगेगा, इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि ये रेक्टेंगल है और साहब रेक्टेंगल के बीचों बीच एक गधा या घोड़ा बना हुआ है जिसकी रस्सी की लंबाई 7 है, और ये घोड़ा जो है पकेगा कि घोड़े द्वारा एरिया कितना ग्रेज कर सकता है वो बताओ। तो अगर ये 100 बाय वही 60 का पार्क है और इसमें घोड़ा बीच में बंधा हुआ है जिसकी रस्सी की लंबाई 7 है, तो वो खाली इतना एरिया खा सकता है, तो वह खाली यह एरिया खा सकता है जो मैंने शेड किया है। तो आपको कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ सर्कल लगा देना है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें पाई 22/7 और आर को आपको 7/7 लेना है, बस खत्म। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। अब एक वो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, सेम पार्क है साहब, पार्क सेम है 100/60 का, और अब आपकी बार आपने घोड़ा इस कोने में बांधा है। ये देखो मैं घोड़ा बांध के दिखा रहा हूँ लाल रंग से, ये आपने घोड़ा यहाँ पे बांधा है जो कि जिसकी रस्सी की लंबाई 7 है। तो ये घोड़ा आपकी बार क्या कर सकता है, घोड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक खा सकता है, खाली ये एरिया खा सकता है। देखो ये क्या है, ये बेसिकली एक अगर देखें तो ये एक सर्कल का 1/4 है, अगर ध्यान से देखो तो यह एक सर्कल का 1/4 है। तो आपको करना क्या है, इस बार जो घोड़े ने खाया वो क्या खाया, एरिया ऑफ, इसे हम सेक्टर कहते हैं, और ये बराबर होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको आप 1/4 कर दो बस एरिया को, समझ में आ गया होगा, आई थिंक ये भी बड़ा सिंपल है। अब लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज का, सबसे लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि इसी रेक्टेंगल, ये अब रेक्टेंगुलर फील्ड द्वारा से है या स्क्वायर फील्ड है, इस बार हम स्क्वायर फील्ड मान के चल रहे हैं, ये 100 और 100। अब की बार आपके पास 4 घोड़े बंधे हुए हैं और इस तरीके से बंधे हैं वो चारों घोड़े की वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब उनकी रस्सी की लंबाई लास्ट में एक दूसरे को टच कर रही है। लाइक यहाँ पे एक घोड़ा बंधा है, इसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, इसका रेडियस 7 है, इसका रेडियस मान लीजिए 50 है, और एक घोड़ा यहाँ बंधा है, इसका रेडियस भी 50 है, और एक घोड़ा यहाँ बंधा है, इसका रेडियस भी 50 है, और एक घोड़ा यहाँ बंधा है, इसका रेडियस भी 50 है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपसे वो पूछेगा कि घोड़ों ने कितना एरिया ग्रेस किया, ये भी एरिया ग्रेस कर लिया, ये भी कर लिया। तो आप क्या करो, बहुत ही सिंपल है इसमें, आप क्या करो, ये एक क्वार्टर, ये एक सेक्टर है, एक क्वाड्रेंट जिसे हम कह सकते हैं 1/4 है, तो तुम ऐसे ही 1/4 से आए। तो आप क्या करो, एरिया ऑफ सर्कल निकाल दो एक, या एरिया ऑफ ग्रेस जो होगा, जो ग्रेस किया है बाय होर्स वो कितना होगा जी, वो होगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर और इंटू 4, क्योंकि 4 हॉर्सेज हैं, तो ये 4 से 4 कट गया। तो आप इसको सोल्व कर लो बस 22/7, और जो आर आपको दिया हुआ 50 का स्क्वायर वो आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये भी थोड़ा समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस वीडियो का सुपर टिप आज का यह है कि आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, और इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे दिया है कि देखो अधिकतर एरिया वाले क्वेश्चंस में ना एक चीज और दी जाती है आप लोगों को, आपको ना इनकी कॉस्ट दी जाती है, आपको कॉस्ट किसी ग्रुप में दी होगी, कॉस्ट ऑफ ग्रेजिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, जो भी कॉस्ट दी हो, जैसे अगर सपोज करो आपको 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर दी है या सेंटीमीटर स्क्वायर दी है, तो आपको करना क्या है, बस इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी ये कॉस्ट दी है इससे आप टोटल एरिया को मल्टीप्लाई कर दो, एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये बहुत सिंपल होता है, खाली मल्टीप्लीकेशन का खेल है, हमें लगता है तुम लोग कर लोगे इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे कि आपने यहाँ पे 1/4, और कभी कभी भाई साहब यहाँ पे आप लोगों से क्या पूछा जाता है कि जो एरिया हॉर्स ने ग्रेज नहीं किया वो निकालो, तो जो ग्रेज नहीं किया उसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप पहले पूरा ये निकाल दो स्क्वायर का एरिया, और उसमें से यह जो ग्रेज किया उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो आ जाएगा जो उसने ग्रेज नहीं किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टेस्ट है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि हमसे एरिया ग्रेज किया हुआ मांगा गया या एरिया
ना ग्रेस की हो माना गया मांगा गया ठीक है। तो होपफुली ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, अब तुम इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद बहुत आई होगी और इसी तरीके की और इनोवेटिव वीडियो को देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, स्टे ट्यून, थैंक यू।